हेलो चिल्ड्रन, आई एम मेरी ईवीएस मैम, है ना? योर न्यू मैम ऑफ ईवीएस। अभी तक तो आपने केजी में ईवीएस पढ़ा नहीं है ना, लेकिन फर्स्ट में अब आपको ईवीएस भी पढ़ना पड़ेगा। माय नेम इज़ साधना सक्सेना। हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन, है ना? अब आप बड़े क्लास में आ गए, केजी से अब आप फर्स्ट में आ गए, तो आपकी बहुत सारी न्यू न्यू बुक्स भी हो गई, न्यू न्यू मैम भी हो गई, है ना? तो अब आपको बहुत सारी न्यू मैम भी मिलेंगी, न्यू बुक्स भी मिलेंगी और न्यू सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, है ना? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ईवीएस, ठीक है? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस इज मी एंड माई सेल्फ, है ना? इसमें आपको क्या करना है, यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ये सब आपको इसमें फिल करना है, ठीक है? तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर। अ टाइम लाइन ऑफ मी, देखिए, व्हेन आई वॉज बॉर्न, पेस्ट योर फोटो। जब आप की बर्थ हुई थी तब आप कैसे दिखते थे, तो यू विल पेस्ट योर फोटो इफ़ यू हैव, अगर आपके मम्मा के पास फोटो है आपकी बर्थ टाइम की, तो यू विल पेस्ट हियर। देन व्हेन आई वाज 3 ईयर्स ओल्ड, जब आप 3 ईयर्स ओल्ड थे तब उसकी फ़ोटो आप पेस्ट करो इफ़ यू हैव, इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इफ़ यू हैव द फोटो यू कैन पेस्ट इट, है ना? पेस्ट योर फोटो, नाउ आई लुक लाइक दिस, ये तो सबके पास में होगी। अब आप कैसे दिखते हैं वो फ़ोटो पेस्ट करनी है। अगर आपके पास ये पहले की दो फोटोज़ नहीं भी हैं तो ये फ़ोटो तो सबके पास होगी, है ना? तो ये फ़ोटो तो सब बच्चे अपने अपने पेस्ट करेंगे, क्लियर? कि अब आप कैसे दिखते हैं। फिर हियर यू विल राइट योर डेट ऑफ बर्थ, बॉर्न ऑन, फिर एज, ठीक है? हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड यू आर, तो यू विल राइट योर एज हियर, क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। हेलो, माई नेम इज़ वीर, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम वीर है। वॉट इज़ योर नेम, ही इज़ आस्किंग टू यू, वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या आप कुछ अपने बारे में बता सकते हो, कैन यू टेल समथिंग, है ना? तो माई नेम इज़, हियर यू विल राइट योर नेम, जो भी आपका नाम है यू विल राइट हियर, क्लियर? देन आई एम ए, आप क्या हैं, बॉय और गर्ल, जो भी आप हैं, इफ़ यू आर बॉय यू विल राइट हियर बॉय, एंड इफ़ यू आर गर्ल यू विल राइट हियर गर्ल, तो आई एम ए बॉय और गर्ल यू विल राइट हियर। आई स्टडी इन क्लास, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं, फर्स्ट, क्लियर? माई एड्रेस इज़, और आपका जो एड्रेस है वो आप अपने मम्मा पापा से पूछ कर के यू विल राइट ऑफ योर एड्रेस, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, क्लियर? तो ये सब चीज़ें कैसे करनी है, आपको खुद ही फिल करनी है। माई टेलीफोन नंबर इज़, यू विल राइट योर, है ना, योर सेल्फ। और लेकिन आपको ऐसे निकला, फर्स्ट यू विल लर्न द टेलीफोन नंबर ऑफ योर मम्मा और पापा, पहले आपको टेलीफोन नंबर लर्न करना है, जिससे आपको टेलीफोन नंबर अगर लर्न होगा आपको मम्मी या पापा का, तो आपको बहुत क्या होगी, बहुत सुविधा होगी ना। कभी कोई भी लर्न द मोबाइल नंबर ऑफ योर मदर और फादर, ठीक है? मोर अबाउट मी, अब इसके बाद इतना तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद में और क्या है, दीज आर द हॉबीज एंड दीज आर योर वॉट इज़ योर फेवरेट, माई फेवरेट कलर इज़, आपका फेवरेट कलर कौन सा, यू विल राइट हेयर, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक, है ना? माई फेवरेट फ्रूट्स आर, हेयर यू विल राइट द नेम ऑफ द फ्रूट्स। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, आपका कौन सा फेवरेट गेम है, अब वो आप यहाँ पर लिखेंगे। माई फेवरेट कार्टून शो इज़, एंड वॉट इज़ योर फेवरेट कार्टून शो, क्लियर, यू विल राइट हेयर। अब स्पेशल मी, ऑल ऑफ अस आर स्पेशल, हम सब कैसे स्पेशल हैं, आप सब स्पेशल होते हैं, सब बच्चे हैं ना। वी लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स, हमको अलग अलग चीज़ें डिफरेंट थिंग्स करना अच्छा लगता है। द थिंग्स वी लाइक द मोस्ट इज़ आवर फेवरेट थिंग, और जो काम हमको करना सबसे अच्छा लगता है वो क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड द फेवरेट थिंग। जैसे बहुत से बच्चों को स्विमिंग अच्छी लगती है, बहुत से बच्चों को गेम खेलना अच्छा लगता है, बहुत से को रीडिंग अच्छी लगती है, तो जो काम आपको सबसे अच्छा लगता है दैट वर्क इज़ कॉल्ड योर फेवरेट, ठीक है? देखिए, हियर आर द पिक्चर्स ऑफ स्विमिंग, रीडिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, इन ए नटशेल, वी मस्ट कैरी अवर आइडेंटिटी कार्ड टू स्कूल, व्हेन यू गो टू स्कूल यू मस्ट कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड विद योर सेल्फ, ठीक है? द थिंग दैट इज़ लाइक्ड मोर देन अदर इज़ ए फेवरेट थिंग, जो चीज़ हमें और चीज़ों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेट थिंग, वो हमारी क्या कहलाती है, फेवरेट थिंग। बहुत से बच्चों को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत से को क्या होता है कि किसी को अलग अलग एक्टिविटीज़ करना पसंद होता है ना, किसी को खाने का बहुत शौक होता है, और तो जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है सब कामों में वो हमारी क्या कहलाती है, फेवरेट थिंग। वी ऑल आर स्पेशल, क्लियर?
टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइजेज, है ना। पुट ए टिक ऑन ए थिंग्स यू लाइक टू डू, हियर आर द पिक्चर्स एंड यू विल टिक ऑन दैट पिक्चर विच वर्क यू लाइक टू डू। फर्स्ट इज डांसिंग, यू लाइक डांस, यू विल टिक हियर। द सेकेंड पिक्चर इज अ फाइटिंग, फाइटिंग करना अच्छा लगता है, नो। और देन द थर्ड पिक्चर इज पेंटिंग ऑन द वॉल, ये देखो वॉल पर जो है ये क्या कर रहा है, चौक से पेंट कर रहा है, तो इट इज बैड हैबिट, तो ये भी वी विल नॉट टिक इट। देन ईटिंग, इट इज अ गुड हैबिट, तो वी विल टिक हियर। एंड शी इज क्या कर रही है, देखिए आप, शी इज एंग्री, है ना, गुस्सा हो रही है, तो ये अच्छी बात है, नो, तो वी विल नॉट टिक इट। एंड शी इज वॉचिंग द टीवी, इट इज अ गुड, तो वी विल टिक हियर। क्लियर। जो पिक्चर्स अच्छे हैं, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, उस पर आपको क्या करना है, यू विल राइट द साइन ऑफ टिक, राइट, ठीक। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म ए वर्ड, देखो हियर आर द सम लेटर्स, और ये लेटर्स कैसे हैं, हैफाजर्ड वे में है ये, और जो है सिस्टमेटिकली नहीं है, इसमें जो स्पेलिंग लिखी है वो कैसी है, सारे लेटर्स को आगे पीछे करके लिखी गई है, क्लियर। तो यू विल राइट द करेक्ट वर्ड, तो फर्स्ट इज बर्थडे, बी आई आर टी एच डी ए वाई, जब आप इसको ठीक करके लिखेंगे तो क्या स्पेलिंग बनेगी, बर्थडे। द सेकेंड इज फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली, ठीक है। द थर्ड इज एड्रेस, ए डबल डी आर ई डबल एस, क्लियर। एंड द फोर्थ वन इज फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई, फेवरेट। तो ये कैसे दिए हैं, ये स्पेलिंग्स कैसे दे दिए, आगे पीछे करके दिए कि आपको जिससे इसमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना आ जाए, ठीक है। लुक एट दिस यम्मी केक, फाइंड द वर्ड्स गिविंग ऑन द कैंडल्स इन द ग्रिड एंड कलर देम। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना कैंडल्स पर, ये वर्ड्स आपको इसमें से किस ग्रिड में से क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्लियर, और उसको क्या करना है, कलर करना है। तो फर्स्ट इज सबसे पहले क्या आ गया, देखिए केक, अब यू विल फाइंड द स्पेलिंग, वेयर द स्पेलिंग इज ऑफ केक इज हियर, देखो ये है सी ए के ई केक, तो यू विल सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन अराउंड दिस, आप इसके चारों तरफ एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल्के से कलर कर देंगे, लाइट कलर से, ठीक है। देन द सेकेंड इज ऑफ कैंडल, सी एल, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कैंडल, सी ए एन डी एल ई, ठीक है, तो यू विल राइट द सर्किल हियर एंड यू विल कलर इट। थर्ड एंड द थर्ड वर्ड इज गिफ्ट, तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ गिफ्ट, जी आई एफ टी, है ना। फोर्थ इज फन, एफ यू एन फन, देन स्माइल, एस एम आई एल ई स्माइल, एंड देन कैप, वेयर इज कैप, सी ए पी कैप, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, यू विल फाइंड द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, एंड यू विल ड्रॉ ए सर्किल अराउंड इट एंड यू विल कलर इट, क्लियर। सो दिस इज क्लियर, योर फर्स्ट चैप्टर मी एंड माई सेल्फ इज फिनिश्ड, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं।